नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष बंसल। दोस्तों आपका स्वागत है YouTube चैनल मिस्टर ग्रोथ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर स्कूलों में CCTV कैमरे लगे होना क्यों जरूरी हैं, और ये वीडियो को पूरा देखना और अपने हर WhatsApp ग्रुप में और Facebook पेज पर शेयर करना भी आपकी ड्यूटी है, क्योंकि स्पेशल बच्चों की सेफ्टी के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए, कभी हम भी बच्चे थे, या फिर आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव के बच्चे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर पर्सन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हो। आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस वीडियो को पूरा भी देखेंगे। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, उसके बच्चे हैं, या फिर आपका कोई रिलेटिव जिनके बच्चे हैं, उनको आप इस वीडियो को ज़रूर पोस्ट करें, ताकि थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता है हमारे ध्यान में कई ऐसी कॉमन चीज़ें हम छोड़ देते हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि जो भी बच्चों की सेफ्टी के लिए कोई चीज हो तो उसको आप जरूर ध्यान में रखें। आपको पता होगा कि आजकल गवर्नमेंट ने सभी स्कूलों को गवर्नमेंट अथॉरिटी लेना कंपलसरी कर दिया है, यानी कि कोई भी स्कूल तभी चलेगा अगर वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा, और अप्रूव्ड होने की कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि स्कूलों में CCTV कैमरे लगे होने चाहिए। ये मैं स्पेशल कैमरों की बात कर रहा हूँ, इसलिए स्पेशल मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो कि इस वीडियो से रिलेटेड हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने स्कूल वैन्स में GPS ट्रैकर और स्कूल वैन्स में भी कैमरे लगाने कंपलसरी किए हुए हैं, लेकिन कुछ स्कूल ये चीज़ें स्कूल वगैरह में ऐड नहीं करवाते हैं, बच्चों की सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों की सेफ्टी की तरफ ध्यान दें। जरूरी नहीं कि आपके खुद के बच्चे हों, लेकिन देखिए, अगर आप भी बच्चों से प्यार करते हैं, कभी हम भी छोटे थे, आजकल इतनी ज़्यादा घटनाएँ वगैरह हो रही हैं, बच्चों के साथ कोई मिसबिहेव किया जाता है, या फिर कुछ ऐसी शर्मनाक बातें जो कि मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता, तो वो सब आप न्यूज़ वगैरह में पढ़ते ही रहते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, ताकि शायद एक पेरेंट्स को भी ये वीडियो अच्छा लगे, और इस वीडियो को देखने के बाद वो भी स्कूल में जाकर कहे कि यार, हम बच्चों का एडमिशन तभी स्कूल में करवाएंगे अगर स्कूल में CCTV कैमरे लगे होंगे। इस साल जब मैंने अपने बेटे का एडमिशन स्कूल में करवाया, तो सबसे पहले मैंने स्कूल से ये बात की कि इस साल अगर आप स्कूल में CCTV कैमरे लगवा रहे हैं तभी हम बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाएंगे, अदरवाइज हम बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं करवाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये जरूरी ऐसे स्टेप हैं जो कि आपको लेने जरूरी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स ये जरूरी स्टेप उठाएं, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी की जो सबसे पहले ड्यूटी है वो आपकी खुद की बनती है। इसलिए ये जरूरी स्टेप सबसे पहले आप उठाएं। आप स्कूल में जाकर बात करें कि हम बच्चों को स्कूल में तभी भेजेंगे या फिर तभी एडमिशन करवाएंगे अगर स्कूल में CCTV कैमरे लगे होंगे। देखिए, कभी बार बच्चे इतने छोटे और मासूम होते हैं, उनको तो ये पता भी नहीं होता कि उनके टीचर ने उनको जानबूझकर ज़्यादा मार दिया है। कई बार कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो अपना गुस्सा बच्चों पर उतार देते हैं, और देखिए, कई बार बच्चे की काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर दी जाती है, या फिर कुछ ऐसी बातें, आप खुद समझदार हैं कि जो बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। तो ऐसी शर्मनाक चीज़ें या कुछ और ऐसी घटनाएं भी हमारी नॉलेज में आती हैं, तो उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि CCTV कैमरे एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो हर स्कूल में लगे होने चाहिए। और मैं तो हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कम से कम अगर किसी को खुद ये बात नॉलेज में नहीं आती है तो वो इस वीडियो को देखकर ही सीख पाएं, और जाकर स्कूल में जाकर बोलें कि हम तो बच्चों का एडमिशन तभी करवाएंगे स्कूल में, या फिर तभी भेजेंगे अगर बच्चों की सेफ्टी की तरफ ध्यान दिया जाएगा, स्कूल में CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। स्कूल में देखिए, मेन गेट पर 2 कैमरे, हर क्लास में कैमरा, CCTV कैमरे हर जगह पर लगे होने चाहिए। देखिए, हम अपने बिजनेस के लिए अपने शॉप पर, अपने ऑफिस में, अपने घर पर CCTV कैमरे लगवाते हैं, तो स्कूल में देखिए इतने सारे बच्चे होते हैं, तो क्या उनकी सेफ्टी का कोई मतलब नहीं बनता? तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता कि हम इस जरूरी चीज़ की तरफ ध्यान दें। देखिए, CCTV कैमरों में कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी स्कूल को, उसके बाद बच्चों की कितनी ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी। देखिए, रोने गिड़गिड़ाने से तो अच्छा है कि हम सेफ्टी की तरफ पहले ध्यान दें। मान लीजिए, आप देखिए क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते होंगे, कई बार बच्चों को स्कूल से किडनैप वगैरह भी कर लिया जाता है। देखिए, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद कोई ये नहीं है कि मैं किसी को कोई डराना चाहता हूँ या फिर कुछ इसके बारे में बुरा कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की सेफ्टी की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि देखिए आखिर कितना खर्चा आ जाएगा एक स्कूल में अगर कैमरे लगवाए भी जाते हैं किसी अच्छे स्कूल में, 1 लाख 1.5 लाख तक ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो क्या एक बच्चे की जो वैल्यू है उससे आप कैमरों को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, अगर हम स्कूल में CCTV कैमरे लगवाते हैं तो ये बच्चों की सेफ्टी के लिए काफ़ी हद तक
मायने रखते हैं। हर स्कूल की एंट्री गेट पर कैमरे लगे हों, हर क्लास में कैमरे लगे हों, ताकि अगर बच्चा कभी किसी चीज़ की कंप्लेंट करता है कि उस टीचर ने या फिर किसी अनदर पर्सन ने उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उसके साथ कोई मिसबिहेव किया, तो आप जाकर स्कूल में आसानी से चेक कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, आपके पास क्या प्रूफ है, कभी आपका छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उनको बताना भी नहीं आता होता कि हमें ये परेशानी है या फिर हमें किसी ने ये बोला या फिर ये परेशानी हुई। अगर कैमरे लगे होंगे तो देखिए, पहली बात तो ऐसी कोई भी नौबत जल्दी से आएगी नहीं, क्योंकि ऐसे पर्सन जो होते हैं जो बच्चों को नुकसान वगैरह पहुंचाना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी निगाह होती है सीसीटीवी कैमरों पर। अगर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो उनकी हिम्मत वैसे भी नहीं पड़ेगी कि वो बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए। अगर लगे होंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप आसानी से जाकर, अगर कभी आपका छोटा बच्चा कभी आपको लगे कि इस टाइप की कोई कंप्लेंट कर रहा है कि उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको तंग कर रहा है, तो आप सीधा प्रिंसिपल से मिलिए, उनके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे को चेक करवाने के लिए बोलिए। देखिए, आप पेरेंट्स हैं, आपका पूरा राइट्स बनता है, आप जाइए ऑफिस में और सीसीटीवी कैमरों को चेक करिए कि आपके बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं कर रहा। देखिए, आपके सामने कोई आपके बच्चे को तंग करने की कोशिश करे, उसे मारने पीटने की कोशिश करे या फिर किसी तरह से उसे और परेशान करने की कोशिश करे, तो शायद ऐसी किसी की भी हिम्मत नहीं होती। और देखिए, आप क्या उस पर स्टेप उठाते हैं। लेकिन स्कूल में कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि आपको पता ही नहीं लग पाता, कई बार बच्चा खुद अकेले में रोता रहता है, उसको परेशानी होती है, या फिर छोटे बच्चे क्या होता है, स्कूल ना जाने के लिए जिद करते हैं, क्योंकि वो कई बार इतना मेंटली परेशान वगैरह हो रहे होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको कई बार अच्छे से बताना नहीं आता होता कि आखिर मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो इन सभी चीज़ों का सलूशन है कि सारे स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। अगर कोई स्कूल टीचर या स्कूल प्रिंसिपल भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सीसीटीवी कैमरे स्कूल में जरूर लगवाएं, क्योंकि छोटे छोटे प्यारे बच्चों की तरफ, सेफ्टी की तरफ ध्यान दिया जाए। अगर आपके बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जैसे हम स्कूल से पहले उनको प्री नर्सरी क्रच वगैरह में भेजते हैं, तो वहां पर भी बच्चों को तभी लगाएं अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए, बताने का कुछ और सिस्टम होता है बट देखने का सिस्टम कुछ और होता है। और ये पेरेंट्स की सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है कि वो इस जरूरी स्टेप की तरफ ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाना या कहना चाहा वो आप समझ पाए होंगे और आप भी इस जरूरी स्टेप की तरफ ध्यान देंगे। देखिए, सब आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए, गवर्नमेंट ने तो पहले से ही कंपलसरी किया हुआ है कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगे हों, वैन में जीपीएस ट्रैकर, वैन में कैमरे लगे हों, लेकिन स्कूल वाले कई बार ध्यान नहीं देते। तो ये सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कदम उठाएं, सिर्फ उसी स्कूल में बच्चों को लगाएं जो बच्चों की सेफ्टी की तरफ ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को हर सिंगल पर्सन के पास पहुंचाएंगे। देखिए, कोई व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं, अगर आप चाहें तो वीडियो को डाउनलोड करके शेयर करें, नो प्रॉब्लम, मुझे व्यूज का कोई मैटर नहीं है। और इस वीडियो में मैं कोई भी अपनी वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा, आप इस वीडियो के लिए मेरा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब मत करें, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ पर्पज था कि हर पेरेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचे और वो ये जरूरी स्टेप उठाएं। और अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर आपके रिलेटिव के बच्चे हैं, आपके दोस्त के बच्चे हैं, उसको गाइड करें कि वो भी अपने स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए कहें और बच्चों को तभी स्कूल में भेजें अगर सीसीटीवी कैमरे स्कूल में लगे हों। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, हर पेरेंट्स के पास इस वीडियो को पहुंचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।